भले ही मानसून आगमन के लिए अभी एक सप्ताह से ज्यादा का समय शेष है, परंतु मानसून पूर्व मौसमी गतिविधियां शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने विदर्भ क्षेत्र में कभी भी वर्षा होने की चेतावनी दी है। सर्वाधिक तीव्र गर्मी के लिए पहचाने जाने वाले रोहिणी नक्षत्र के दौरान ही बादलों ने उपस्थिति दर्ज कर दी है, इसलिए तापमान ज्यादा ऊपर न जाकर नीचे आ गया है। अब से 24 घंटे पहले तापमान काफी बढ़ा हुआ था, जो कि बादल छाए रहने के बाद बहुत नीचे आ गया है। बीते रविवार को विदर्भ में औसत तापमान 42 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया। नागपुर में सुबह बदली वाले वातावरण के कारण भारी उमस दर्ज की गई, जिसकी आर्द्रता 62% थी। दिन भर गर्मी और उमस का वातावरण रहा, शाम तक आर्द्रता का प्रतिशत गिरकर 38% पर आ गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि नवतपा के बीच हुए दिनों में आसमान बादलों से ढक जाएंगे, परंतु गर्मी भी बढ़ेगी। इसके अलावा वर्षा होने की संभावना है। सूर्यास्त के बाद तेज हवाओं के साथ कई स्थानों पर मेघ गर्जना और वर्षा हो सकती है। 3 जून तक विदर्भ के सभी जिलों में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। मानसून पूर्व मौसमी गतिविधियां शुरू हो गई है। हर साल से हटकर इस वर्ष विदर्भ का अधिकतम तापमान 46 से 47% तक नहीं पहुंचा। इस वर्ष मौसम में नागपुर का अधिकतम तापमान 43.9 डिग्री सेल्सियस शनिवार को दर्ज किया गया। नागपुर में 8 से 10 जून तक मॉनसून आने का अनुमान है। दक्षिण भारत में समय पर मॉनसून पहुंचेगा। यदि मौसम परिस्थिति अनुकूल रही तो विदर्भ में भी मॉनसून निर्धारित समय पर दाखिल होगा। इस वर्ष मॉनसून सामान्य रहने का अनुमान है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसे, BC News नागपुर।